अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमान सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने पहले ही अपने 7 MLA कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए थे और अब AIMIM ने राजेंद्र नगर MLA कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है और वो नाम है मिर्जा रहमत बेग का, जो कि एक सीनियर एक्टिव मेंबर है AIMIM के। कई वक्त से ये बातें चल रही थी कि मिर्जा रहमत बेग को मजलिस टिकट देने वाली है, पर MIM कौन से हलके से इन्हें टिकट देने वाली थी ये बात अभी सामने नहीं आ रही थी, पर अब ये डिक्लेयर हो चुका है। अगर बात की जाए 2014 की, तो उस वक्त जाकिर हुसैन जावेद को राजेंद्र नगर से टिकट दिया था AIMIM ने और उस वक्त मजलिस मुस्लिमीन ने 49,000 प्लस वोट्स हासिल किए थे राजेंद्र नगर से और कांग्रेस से ज्ञानेश्वर ने 52,000 प्लस वोट्स हासिल किए थे और TRS से प्रकाश गौड़ ने 77,000 प्लस वोटों से जीत हासिल की थी राजेंद्र नगर में। अब देखना है कि क्या AIMIM से मिर्जा रहमत बेग जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि TRS से इस बार भी प्रकाश गौड़ कंटेस्ट करने वाले हैं और कांग्रेस से कार्तिक रेड्डी का नाम सामने आ रहा है और MIM से मिर्जा रहमत बेग और AAP से सादिक बिन यूसुफ। ये बात तो तय है कि इस हलके में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। तो आपके शहर, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।